हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023 गेम प्ले नंबर 6। तो गाइज आज ना हम लोग जितनी भी स्पोर्ट्स कार हो सकती हैं सारी खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास है 85 लाख डॉलर्स, मतलब 8.5 मिलियन डॉलर्स है हम पे। और हम जितनी भी स्पोर्ट्स कार होती है इस गेम के अंदर वो सारी परचेस करने वाले हैं। अगर मेरे से कोई स्पोर्ट्स कार छूट जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको खरीद लूँगा। बट गाइज हाँ, आप लोग मुझे कोई चैलेंज देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए हमेशा के लिए खुले। और अगर आप लोगों ने पुरानी वाली वीडियो देखी कि हमने कैसे यहाँ पे 85 लाख डॉलर किए हैं तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो मिस आउट मत करना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम वीडियो थी। तो गाइस चलो सबसे पहले ना मैं चले जाता हूँ अपने घर पे और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई तो यार सुपर कार बेच ही रहा होगा। और अगर आज नहीं बेचता है तो वैसे भी आज कुछ भी नहीं है, नया दिन नई शुरुआत। और गाइस आज के दिन हमारे पास कार मार्केट भी, और कार में मेरे धब्बे लग चुके हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो जल्दी से इनको वॉश कर लेता हूँ और भाई एकदम क्लीन करके कार मीट में चले जाएंगे। मेरा मतलब है कार मार्केट में, मैं कार मीट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे सारी कार्स इकट्ठा होती हैं बेचने के लिए। तो गाइस वही चीज़ ना कार मीट भी हुआ, तो यहाँ पर मेरी कार पूरी तरीके से धुल चुकी है। जल्दी से इस कार के अंदर बैठ जाते हैं अपनी GTR के अंदर। और गाइस आप लोग यार मैंने बताया था ना, जब तक 1K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे मैं ये GTR और एक और है माजदा उसको नहीं बेचूंगा। तो जल्दी से 1K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो, किसी भी वीडियो में कर दोगे तो बस मैं उस कार को बेच दूंगा। अब भी ना यहाँ पर नेबरहुड में मुझे कोई भी कार नहीं दिख रही सुपर कार, तो सीधा ना हम लोग कार मार्केट चलते हैं और वहाँ से लेके आते हैं बहुत सारी स्पोर्ट्स कार, क्योंकि आज हमारा एक चैलेंज है, हम लोग को कलेक्शन बनाना है स्पोर्ट्स कार का। तो हम लोग कार मार्केट आ चुके हैं और जरा देखो तो यहाँ पर कितने ज्यादा लोग इकट्ठा हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारी स्पोर्ट्स कार। तो मुझे मस्टैंग दिख रही है और यहाँ पे मस्टैंग मुझे दिख गई है, एक फरारी दिख गई मुझे, और एक और ये जो विंटेज कार है ये भी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना फरारी ले लेते हैं। तो आंटी जी कितने में दे रहे हो आप? तो यहाँ पे हमको ये कार 3,20,000 डॉलर में मिल गई है फाइनली। तो जल्दी से हम इस कार को लेके यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैं इसको लेके नहीं निकलूंगा, मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करा देता हूँ डायरेक्ट अपने शोरूम पे। और ये गाड़ी मुझे कहीं से भी डैमेज लग रही, थोड़ी देर के हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पे R8 भी है, तो ये तो भाई रेयरेस्ट कार तो स्टार्टिंग में ही मिल गई मुझे, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऑडी R8 3,40,000 डॉलर में मिली है, तो वो गाड़ी हम लोग को कुछ 3,20,000 में मिली थी और ये हम लोग को 3,40,000 में मिली है, तो ऑलमोस्ट 7,00,000 का खर्चा आ चुका है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ये वाली कार कितने की दे रहे हैं, इसको भी हम जल्दी से परचेस कर लेते हैं। लो गाइस यार यहाँ पे 27,000 डॉलर की हमें मिल चुकी है मस्टैंग। अरे 27,000 डॉलर की नहीं मिली क्या? वेट, ये कितना ऑफर कर रहा है यार, मुझे इसको 30 ही ऑफर करना पड़ेगा। चलो यार यहाँ पर हमको टोटल 30K डॉलर्स में मस्टैंग मिल गई है, जो कि मैं डबल प्राइस में ऑलरेडी बेच देता हूँ हमेशा, लेकिन यार ये तो मान ही नहीं रही भाई, एक्सपर्टीज चेक कराने से अच्छा कि हमको प्रॉपर खरीदनी पड़ेगी इसी के दाम पे। तो चलो कोई बात नहीं, इसको साइड रख देते हैं। बाकी यहाँ पे जो विंटेज कार है इसको फटाफट से बाय कर लेते हैं, ये कुछ 1,00,000 डॉलर की बिक जाती है, 1,00,000 से ऊपर की बिकती है, 1,25,000 करीब की, तो इसको भी जल्दी से बाय कर लेते हैं। ये हमें 95 कुछ कह रही है, मेरे ख्याल से 80,000 तक में मान जाएगी, मैं इसको ना 70,000 कहता हूँ। अगर 70,000 में मान गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानी मुझे पता था, तो चलो 75,000 डॉलर देते हैं। 75,000 डॉलर में, और यहाँ पर ये भी इतने में नहीं मान रही है, तो गाइस चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अपना अमाउंट, यहाँ पे 79K डॉलर का देते हैं इतने में। चलो गाइस हमको 79K डॉलर में ये विंटेज कार मिल गई है, तो चलो मैं इन तीनों कार को इम्पोर्ट करा देता हूँ अपने शोरूम पे। तो गाइस मैं नेबरहुड में घूम रहा था और जरा देखो तो मुझे कौन सी कार दिखी, मतलब ये भी बहुत रेयर कार है, तो मैं जल्दी से ना सुप्रा की डील कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सुप्रा भी खरीद लेंगे और ये भी हमारे एक कलेक्शन का पार्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे हमको सुप्रा मिल चुकी है प्रॉपर 60,000 डॉलर में, इससे भी हम डबल ही कमाने वाले हैं, बट अभी नहीं कमाएंगे जब तक आप लोग एक लाइक एम कंप्लीट करोगे इस वीडियो का। तो अगर आप लोग, मैं आप लोग को पहले से रूल समझा देता हूँ, 1000 अगर आप लोग लाइक एम कंप्लीट करते हो, 1K लाइक कंप्लीट करते हो, तो मैं GTR और माजदा को दोनों को बेच दूंगा जो उसकी हाईएस्ट प्राइस होगी। और अगर आप लोग आज का लाइक एम जो 100 है अगर वो कंप्लीट करते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो अपनी कलेक्शन है इसको प्रॉपर तरीके से बेच डालूंगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग यस या नो भी कमेंट कर सकते हो, अगर 10 कमेंट भी यस आ गए तो भी मैं बेच दूंगा। तो गाइस फटाफट से नीचे जाके कमेंट कर दो कि हाँ अपने कलेक्शन की सारी गाड़ियों को बेच दो, ये मैं वीडियो के एंड में भी आप लोग को बताऊंगा जब मेरे पास पूरा कार कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा, जब मैं यहाँ इस घर पे लाके सारे के सारे कार कलेक्शन रख दूंगा। तो गाइस आज के दिन ऑक्शन है और ये डे 3 है, तो गाइस चलो
आज के दिन ऑक्शन मिल गया है मुझे, तो फटाफट से ऑक्शन चलते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी कार दिख गई टेस्ला, और ये मैं मतलब अपने कलेक्शन में ऐड करूंगा, बट ये मेरे किसी और काम आने वाली है, वो मैं आपको वीडियो के एकदम एंड में बताने वाला हूँ। तो गाइस पूरी वीडियो एकदम ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है। तो ये गाइस हमको कितने में मिल सकती है, तो मैं इसकी बिडिंग लगाता हूँ $37,000। तो देखते $37,000 में मिल जाएगी। ओके, तो फाइनली गाइस हमको ये $37,000 में मिल गई है, और अभी कोई जगह भी नहीं है मेरे गैराज के अंदर, तो फटाफट से ना यहाँ से निकल जाते हैं और चलते हैं कार ऑक्शन में, देखते हैं हमें कार ऑक्शन में क्या आज मिलने वाला है। गाइस कार ऑक्शन तो 5 PM से स्टार्ट है, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि सारी गाड़ी को रिपेयर और इनको कलर कर देता हूँ फटाफट से, और फिर चलते हैं अपने ऑक्शन के अंदर। हाँ, इनको मैं मॉडिफाई भी कराऊंगा, विदाउट मॉडिफिकेशन मैं अपनी किसी भी कार को कलेक्शन में ऐड नहीं करने वाला हूँ। तो फटाफट जरा सारी गाड़ियों को ट्यून कर डालते हैं। तो गाइस मैं ऑक्शन में आ चुका हूँ, और जरा देखो तो रात हो गई, लेकिन ऑक्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो बहुत ज्यादा सस्ती गाड़ियाँ होती है ना, इनमें बिडिंग इतनी स्लो लगती है भाई, बहुत स्लो। अब देखते कौन सी कार आ रही है। ओ भाई साहब, लैम्बोर्गिनी मिल गई मुझे भाई, ये भी बहुत ही नसीब से मिलती है। तो गाइस चलो जल्दी से ना इसकी बिडिंग लगाते हैं, मैं तो हाईएस्ट बिडिंग लगाने वाला हूँ, मुझे ये इसके ऊपर कम से कम $5,00,000 में खर्च कर सकता हूँ। देखते हैं अगर ये हमको $5,00,000 में मिल जाती है तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि $5,00,000 में मिल जाएगी तो इसको हम डबल प्राइस पे बेच भी पाएंगे। तो गाइस यार ये ज़्यादा महंगी बिक्री है, अगर मैं ज़्यादा प्राइस लगाऊंगा तो यार ये लोग भी ज़्यादा प्राइस लगाएंगे, तो मैं छोटी छोटी बिडिंग ही लगाता हूँ, क्या पता मुझे सस्ते मिल जाए। और यहाँ पर ऑलरेडी $450,000 हो चुके हैं, बट यार मुझे ये गाड़ी कैसे ना कैसे चाहिए, और मैं ही लेके जाने वाला हूँ, जो भी हाथों डाल रहा हूँ उसके हाथ काट दूंगा। भाई साहब यार तुम मेरी कार को कैसे लेना चाहते हो। यहाँ पर यार मेरे पास भाई बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं इस गाड़ी के पीछे, लिटरली अब $5,00,000 लग गए इस गाड़ी के ऊपर। यार ये लास्ट बिड है, इसके बाद शायद मैं ना लगा पाऊँ। ओके, तो हमको $11,000 में मिल गई है, मतलब $5,11,000 में मिल गई है। तो चलो यार इस गाड़ी को भी हम लोग अपने कलेक्शन में ऐड कर देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। आज था लास्ट डे, बट आज हमको दोबारा से एक कार मार्केट मिल गई है, जहां पर मुझे एक और R8 दिख रही है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं दो दो R8 का क्या ही करूंगा। और अगर आप लोगों ने मैंने एक 10 R8 खरीद के उनको सबको सेल किया, वो वाली वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया, फटाफट से जाके देख लेना है, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी जल्दी ही। इसका शायद मेरे कल से 4th पार्ट था या 5th पार्ट था, आप जाके देख लेना। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मर्सिडीज़ की ये कार खरीद लेता हूँ, मर्सिडीज़ कूप, और मैंने मर्सिडीज़ कूप यहाँ पे बहुत ही ईजिली $555 में खरीद ली, मतलब ₹55,555 में खरीद ली, डॉलर में और डॉलर आपको पता है रुपये से बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो गाइस मेरे पास ऑलमोस्ट सारी कार इकट्ठा हो चुकी हैं, और अब मैं इसके बाद नहीं करने वाला, क्योंकि आज संडे है और कल से अगला हफ्ता चालू हो जाने वाला है। तो गाइस फटाफट से ना अब क्या करते हैं कि सारी कार जो हमने खरीदी एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि एक चैलेंज एक हफ्ते का ही था, तो एक हफ्ते के अंदर हमने जितनी भी कार खरीदी है उन सबको ट्यून कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने इतनी सारी कार को ट्यून कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी 5 कार ट्यून ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये 6th और वो 7th कार को हम जल्दी जल्दी ट्यून कर देते हैं और फिर लेके चलते हैं अपने घर पे। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, मैं एक स्पोर्ट्स कार कलेक्शन बनाने वाला हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कितनी कार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार हो चुकी हैं और मेरा कलेक्शन हो चुका है कंप्लीट। और अगर कोई भी कार छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हो मुझे। तो गाइस चलो अब इन सारी कार को ना अपने घर लेकर चलते हैं। अपने घर को सारी कार लेकर आ चुका हूँ, बट गाइस मेरा घर भी ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब सा दिख रहा है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करने वाले हैं, एकदम न्यू कर देंगे सब कुछ, इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर सब कुछ न्यू कर देने वाले हैं। और गाइस अब आप लोग बताओ, ये जो सारी गाड़ियाँ हैं इनको मैं सेल कर दूं? अगर हाँ तो नीचे जाके यस कमेंट कर देना, अगर नहीं तो नीचे जाके नो कमेंट कर देना, बहुत ही इजी है, आप लोग सब लोग जाके कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।